हेलो गाइस, तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी का गैस स्टेशन सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। तो भाई सुबह के 9 बज चुके हैं और आज गैस स्टेशन हमने क्लोज ही रखा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बहुत सारा हमने काम किया था और एक पार्टी बस आई थी जिसके कारण ढेर सारे कस्टमर आए थे हमारे स्टोर पे, उसकी वजह से हमारा सारा स्टॉक बिक गया था। और तब ऐसा हुआ कि हमें सारी चीज़ें अपग्रेड करनी चाहिए और साथ में हमें गैस स्टेशन को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। भाई देख रहे हो, सारे प्रोडक्ट के स्टैंड खत्म हो गए, क्योंकि ये सब स्मॉल साइज के थे इसीलिए हम इसमें ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पाते, इसको हम बेच डालते और एक बड़ा स्टैंड खरीद लेते। आइसक्रीम का फ्रिज भी छोटा है। अबे तेरी, ये तो बाहर आ गया, इसको रखो अंदर नहीं तो पिघल जाएगा। तो भाई हमारी डिलीवरी वैन भी आ चुकी है, हमने कुछ ऑर्डर किया था। अरे ड्रम बम को बाहर फेंको यार। इसलिए हमने आज स्टोर को क्लोज ही रखने का फैसला किया है, क्योंकि ये सारी बिना काम की चीजें हम बाहर फेंक दें और जगह को क्लीन कर दें और साथ में पेंट भी कर लेंगे जितना वक्त मिलेगा उसमें। That'll do. तो भाई पहले तो हम सारा स्टॉक डाल देते हैं जितना हमारा वेयर हाउस में पड़ा है उसको यहाँ स्टोर पे। ओ वाओ, तो भाई देख रहे हो कितने सारे सिगरेट के बॉक्स आ गए। चलो कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास कुछ चीजें थी, स्नैक में बहुत सारी चीजें हैं भाई। अल्कोहल भी डाल देते हैं पहले। पहले हम ऐसा करने वाले हैं कि जितना स्टॉक है अभी फिलहाल स्टैंड पे रख देंगे, फिर देखते हैं कितनी ज़रूरत है हमें, कौन कौन से स्टैंड खरीदने चाहिए। देखो हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर भी है, ये भी फूल हो गया। चलो भाई इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले अब एक नज़र हमारे वेयर हाउस पे भी डाल देते हैं। तो भाई वेयर हाउस की बाहर की दीवार का पेंट का वर्क हमने आधा छोड़ दिया था, आज एक बार आराम से कर लेते हैं। तो भाई एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर मिलते हैं। तो भाई देख रहे हो सारी जगह हो गया है, कुछ ही जगह बाकी है, उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और उसके लिए सीढ़ियाँ इधर दी गई है। चलो भाई फटाफट से हम आ गए रूप पे। अभी हमें यहाँ से आई थिंक जंप करना पड़ेगा तो ही हम पेंट कर पाएंगे। उससे पहले काम करते हैं, हम यहाँ रूप पे चेक कर लेते कौन सा किया जाए। ब्लैक तो ऑलरेडी है, हमें कुछ अलग सा कलर चूज करना पड़ेगा। ये कैसा लग रहा है भाई? भाई दिखने में तो बढ़िया दिख रहा है, आई थिंक मैं यही कर देता हूँ सब जगह पे। तो भाई रूप पे तो हो गया काम, अभी हमें यहां से नीचे जंप करना पड़ेगा। अब आ जाता है हमारी वॉल पे, हमें ये वाला ऑरेंज यूज किया था तो इसको ही करेंगे। भाई हमारे पास ब्रश छोटा था तो हम नीचे से नहीं कर पाए, इसकी वजह से हमें ऊपर आना पड़ा। तो भाई देख रहे हो क्या मस्त दिख रही है वॉल, अब लग रहा है हमारा वेयर हाउस एकदम नया। भाई ये वाली रूप भी बाकी है तो इसको भी कर देते हैं।
आई थिंक एक बार नजरें घुमा देंगे कौन सी जगह हम कर पाते हैं या नहीं। तो भाई पेंट करते करते रात के 8 बज चुके हैं और फिर भी हमारा वेयरहाउस अभी खत्म नहीं हुआ। अब सिर्फ पिलर बाकी है। ओ भाई ये बिना काम की चीजें अभी इधर ही पड़ी है, इसको भी हटाना पड़ेगा नहीं तो हमारा वेयर हाउस भी गंदा दिखेगा। भाई इधर से थ्रो करना पड़ेगा, यहाँ अंदर तो हम फेंक नहीं सकते। चलो ये तो गया ड्रम, इसको डाल देते इस कूड़े में। भाई अभी भी दीवारें खराब है और देख रहे हो पूरा नहीं हो गई है। इसको मैंने थोड़े ही दिन पहले पेंट किया था, पर कोई नहीं ये सब मिटाना है तो एक बार वापस से हम पेंट कर लेते हैं। इस बार कुछ अलग सा ही पेंट करूंगा मैं। ये कैसा दिख रहा है भाई, एकदम पार्टी वाला मूड। स्टॉकी सभी वॉल पे कलर करने के बाद मिलता हूँ। ओके तो हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा है हमारा स्टोर अंदर से। तो भाई अंदर से तो काफी जगास दिख रहा है और यही कलर को हम बाहर भी एक बार करने का ट्राई करते हैं। थोड़ा अजीब दिख रहा है मगर चलेगा अभी फिलहाल। ऐसे अतरंगी कलर हो गए तो ही लोगों की नज़र में आएगा भाई, पर मुझे अंदर से तो बिल्कुल मस्त दिख रहा है। तो भाई पेंट का तो हो गया, अभी एक बार सारे स्टैंड देख लेते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, ये आइसक्रीम का फ्रिज यहाँ ठीक नहीं लग रहा, अपने काउंटर के सामने लगाना चाहिए, क्या बोलते हो भाई। ये आई थिंक कार पार्ट्स इतना इनफ है तो इसको रख दूंगा, फ्रिज की जगह पे नहीं मजा आएगी। हमें काम ही करते हैं, हमें अपग्रेड करना है भाई। हम एक काम करते हैं, पहले फ्रिज ही बड़ा ले लेते हैं। आई थिंक $269 का है, ये लो हमने खरीद लिया। और इसको हम बेच देते हैं पहले और बड़ा वाला फ्रिज यहाँ आ जाएगा आराम से। वाह अभी ठीक लग रहा है, देख लेते हैं बाद में। अभी सारा स्टॉक डाल देते हैं, वापस से इसका भी ऑर्डर करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर को भी यहाँ रख देते। अभी ये वाला स्टैंड किधर रखे, यहाँ आ जाएगा। ओके तो यहाँ सेट हो चुका है, इसके भी सारे प्रोडक्ट रख देते वापस स्टैंड पे।
के सारे आ गए। अभी अल्कोहल को यहां रख देते हैं फ्रिज के बाजू में। ओ भाई यहाँ से मैं नहीं जा सकता, क्या मजाक है ये, अभी इतना मोटा हो गया हो क्या? लगता है इस न्यूज़पेपर स्टैंड को हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो कस्टमर को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। इसको रख देते हम कार पार्ट्स के बाजू में। वैसे इसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन के अलावा कुछ होता भी नहीं है। भाई हमारे पास स्नैक की इतनी सारी प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़ी है, तो भाई स्नैक्स का बड़ा स्टैंड खरीद लेते हैं पहले। ये हो गया काम। इसको रख देते हैं साइड में। और इसको कर देते हैं हम सेल। लो भाई $29, वाह आधे से आधे दाम में जा रहा है, इतना भी पुराना नहीं हुआ था। चल भाई यहाँ सेट हो जा, बड़े मज़े से हो गया ये। अभी आ जाएगा सारा स्टॉक हमारे स्टैंड में। ये हो गया, अभी वक्त है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज को परचेज करने का, क्योंकि उसको भी मैंने बेच डाला था। ये लो ये भी हो गया सेट। ओके थोड़ा टेढ़ा था, उसको मैंने सीधा कर दिया। अभी इसमें भी ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसे करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कल आई थी पार्टी बस और उस पर ढेर सारे कस्टमर आ गए थे और देखते ही देखते सारा सामान बिक गया हमारा। अगर हमारे पास बड़े स्टैंड होते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच पाते और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाते। तो भाई सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, अभी एक बार नज़र डाल देते हैं हमारे वेयर हाउस पे। ये वाला ऑरेंज तो हमने चेंज ही नहीं किया था, इसको भी हमने कर दिया इस बार। ओ भाई वर्कशॉप को देख के मुझे याद आया कि उसका लेवल अप करना बाकी है अभी। चलो भाई सिस्टम पे जाके उसको पहले कर देते लेवल अप। तो हमारा वर्कशॉप हो गया लेवल 3 पे और कार बैटरी भी हम अब बेच सकते हैं। ऑर्डर कर ही देते हैं कार पार्ट्स, पहले इंजन ऑयल मंगा देते, थोड़ा ज़्यादा ही ऑर्डर कर देते ये ठीक रहेगा। ये कोल्ड ड्रिंक्स भी देख लेते हैं कौन कौन सी ऑर्डर करनी चाहिए। हमारे पास ऑरेंज वाइट और ऑरेंज वाले टीन भी है। फ्यूल तो फुल है, वेरी गुड। तो भाई पहले गार्बेज वाले को कलेक्ट करने बुला लेते हैं। चलो ये हो गया, अभी डिलीवरी देख लेते हैं।
कुछ चीज़ें कम करनी पड़ेगी आई थिंक। ये हटाओ, ये हटाओ, इसको भी हटाओ। ओके, तो हमारा ऑर्डर हो चुका है, कुछ ही वक्त में आ जाएगी वैन। अभी कार पार्ट्स आ चुके हैं, ये जगह कब अपग्रेड होगी पता नहीं। उस स्पीकर को हटाओ यार, अभी भी मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया। चलो छोड़ो, इसको करता हूँ थ्रो, ये लो गया। चलो फटाफट से लोड कर देते हैं सामान, ये हो गया। अभी हमारी दूसरी डिलीवरी वैन भी आ रही है, तो हम इधर ही रहते हैं खड़े, तब तक ये साफ सफाई का काम कर लेते हैं जितना हो सके। आजा आजा भाई फटाफट से, तेरे लिए वेयर हाउस ओपन रखा है, नहीं तो कुछ ना कुछ चोरी हो जाएगा। यहाँ वो शैतान बच्चे का बहुत ज़्यादा कहर है, या तो हमारी वॉल पेंट करके जाता है या कुछ ना कुछ चुरा के जाता है। चलो भाई सामान को कर लेते वापस से लोड। ओके, दो कार्टन है, एक बार फिर हो गया। ओ भाई और भी है, लेट्स गो, दैट विल डू। अभी आ जाते हैं वापस स्टोर पे, तो हमने ढेर सारी आइसक्रीम मंगाई है, इसको भी फुल कर दिया, इतना बड़ा है तो भी। कार पार्ट्स डाल देते, चलो कोल्ड ड्रिंक्स भी सेट हो गए, आई थिंक स्नैक भी आ जाएंगे सारे, ये हुई ना बात। ये क्या है, अल्कोहल, हमने ये दो ऑर्डर किए थे। काम करते हैं, अल्कोहल का स्टैंड भी ऑर्डर कर लेते हैं नया। ये हो गया, मैं वही चेक करना चाहता था कि जिसमें मुझे जरूरत लगे उसको ही हम अपग्रेड करेंगे। सारी प्रोडक्ट आ गई अल्कोहल की, कार पार्ट्स भी मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। चलो इसको भी कर लेते हैं, अब इसको हम यहीं रख पाएंगे। वेरी वेरी गुड, अब इसको निकाल देते और सारा सामान यहाँ लोड कर देते। यहाँ तो आ जाएगा मुझे पता है, एकदम मस्त तरीके से आ गया है। अब इसको बेच डालते हैं दोनों चीज़ को, थोड़े से डॉलर मिल जाएंगे उसकी वजह से, पर नुकसानी तो होने वाली है क्योंकि हमने ज़्यादा दाम में ख़रीदा था और कम दाम में बेचना पड़ रहा है हमें। पर कोई नहीं, बाद में हमें इसकी वजह से ही ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। आज हमने बहुत सारा मेंटेनेंस वर्क किया हमारे गैस स्टेशन पे, और बहुत सारी जगह पे हमने पेंट भी कर दिया कंप्लीट, और स्टोर में भी बहुत सारे स्टैंड अपग्रेड कर दिए हैं। क्योंकि मैं पहले से ही सोच रहा था कि अगर मैंने गैस स्टेशन ओपन किया तो ये सारी चीज़ें एक साथ करना मुमकिन नहीं है। आज हम कुछ मुनाफा नहीं कमा पाए, पर ठीक है,
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे इसी जगह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।